मायमाउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, शिक्षा के हित में न जात, धर्म, समुदाय, गरीब, अमीर, ये सब कुछ भी नहीं देखा जाता। जब भी इरादा होता है ऊंची उड़ान भरने का, तो वो गगन छूने के लिए तैयार होता है। दर्शकों, बेला मंडल के अंदर मनियारपुर ग्राम पंचायत के कामगारपुर एक छोटे से कस्बे का एक आदिवासी बच्चा PhD यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कर अपने गाँव लौटा और उसी के सहित अपनी जो ज़िंदगी है बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, बच्चों के पढ़ाने में, उनको शिक्षा, उच्च शिक्षा देने में लगातार लगा रहता है। आज वही प्रवीण गेडाम को हम डॉक्टर प्रवीण गेडाम के लकब से माना जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी PhD संपूर्ण कर आए हैं और अपनी शिक्षा को उच्च प्राप्त कर आए हैं। अभी कुछ लोग समझते हैं कि इसमें समुदाय का फ़र्क होता है, अमीरी गरीब का फ़र्क होता है, पैसा ऊंच नीच, ये सब कहने की बातें हैं, क्योंकि एक आदिवासी का बच्चा PhD कर सामने मंडल की, जो बेला शहर की बेला मंडल का नाम रोशन करने में आगे आ रहा है। दर्शकों, इसी संदर्भ में प्रवीण गेडाम को आज यहां पर सम्मानित कार्यक्रम समारोह रखा गया है, उसके अंदर सभी इनके जो गुरु है वो आकर और इन्हों जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो बच्चे आकर कृतना डिग्री कॉलेज में आज समारोह रखा गया है और इसमें काफी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आज यहाँ पर डिग्री कॉलेज का और डॉक्टर प्रवीण गेडाम का आज यहाँ पर त्यौहार माना जा रहा है, क्योंकि ये ऐसी उच्च शिक्षा है। यहाँ से इस शिक्षा के लिए लोहे के चने, जिसका कहावत सुने हमने कि लोहे के चने चबाए जाते हैं, वो शिक्षा प्राप्त कर आज प्रवीण गेडाम हमारे सामने मौजूद है। दर्शकों, इस शिक्षा को हासिल करने के लिए 3 से 6 साल और जिस विषय में, यानी हिंदी विषय, जिस विषय में इसकी शिक्षा की जाती है, उस विषय को झंझोड़ कर, निचोड़ कर उसका ज्ञान प्राप्त करना, इसी को PhD कहते हैं। और ये PhD करना मामूली बात नहीं है, क्योंकि ऐसे विद्वान हमारे मंडल में है, ये बहुत गर्व की बात है। और मायमाउली भी इस डॉक्टर प्रवीण गेडाम को धन्यवाद देती है, बधाइयां देती है, क्योंकि हमारे मंडल का नाम रोशन करने के लिए। चलिए, हम आज प्रवीण गेडाम से मुलाकात करेंगे, एक छोटी सी मुलाकात है, इसमें जानेंगे। डॉक्टर प्रवीण गेडाम जी, आप तो एक उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिस विषय पर प्राप्त कर रहे हैं उस विषय को झंझोड़कर आपका ज्ञान बढ़ाया गया है। आप अपने जो शिष्य है, अब कृतना डिग्री कॉलेज में उन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप अपने बच्चों को, यानी आपके जो विद्यार्थी है, उनको क्या आप सूचना देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे, फिर आगे जीवन में किस तरह से रहना चाहेंगे? क्योंकि एक MBBS डॉक्टर जो है एक जान बचाता है, लेकिन ये PhD करने वाला एक जो डॉक्टर होता है वो समाज को बचाता है। अब इस समाज के अंदर ये जो बच्चे जो है तुम्हारे आगे देश का भविष्य है, इन भविष्य को आप किस तरह से आगे ले जाएंगे और क्या सलाह देंगे इनको? प्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को, दरअसल हम जो है बेला मंडल के बच्चे, करीबी हमारे जो है महाराष्ट्र लगा हुआ है, तो हम हिंदी को बहुत ही अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं, क्योंकि और हिंदी साहित्य ऐसा साहित्य है उसमें जो है प्रतिबिंब जो है दिखाई देता है। तो मैंने भी जो है आदिवासी यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी उससे मुझे लगता था कि हमें भी और कुछ संघर्ष करना है, तो इससे मैं कॉलेज में काम करते हुए भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत मैंने प्रथम जब मैं 12वीं में था, फिर जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय एक बहुत ही प्रख्यात लेखक माने जाते हैं, जो उपन्यास में प्रेमचंद ये नाम से सभी सबको मालूम है ये नाम, क्योंकि प्रेमचंद जो है यथार्थवाद के कवि माने जाते हैं। तो उनकी जो उपन्यास है मेरे जीवन में बहुत ही प्रभावित हुई है, क्योंकि उस समय में जब मैं 12वीं पढ़ रहा था, फिर 12वीं के बाद जो मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, उस समय में उनके जो उपन्यास थे, एक गोदान, ये गोदान उपन्यास जो है कोई भी एक बार पढ़ ले तो वो उपन्यास से प्रेरित होना ही है। और उसी के साथ जो है निर्मला उपन्यास, जो स्त्री की वास्तविकता जो है उस उपन्यास में दिखाई गई है, इस प्रकार और एक कहानी भी आती है उनकी जो मैंने पढ़ी है। वैसे तो बहुत वो सम्राट थे साहित्य के, लेकिन मैंने जो पढ़ी है उसमें से एक कहानी भी है, पूस की रात। सो वो जब जो मैं पढ़ा था उससे मैं प्रेरणा होकर फिर बाद में जो है मेरे गुरुओं की प्रेरणा से मैं यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, फिर वहाँ जाने के बाद MA मैंने पास करके फिर PhD में एडमिशन लिया, फिर जो है इस प्रकार का जो मेरा प्रवास चलता ही रहा।
इसमें बहुत तरह की कठिनाइयां आते रही, लेकिन मैं उसका सामना करते आगे चलता रहा। फिर बाद में जो है इस आज यहां तक मैं पहुंच सका हूं, इसके लिए आप सभी का मुझ पर बहुत ही आशीर्वाद है, ऐसा मैं कह सकता हूं। और बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे जो है हमारे अभी बस 12वीं होते ही, लड़कियां तो है शादी कर लेते हैं और बच्चे भी कुछ ना कुछ काम में लग जाते, लेकिन ये दरअसल गलत है। और आपको बहुत पढ़ना है, बहुत कामयाब बनना है, क्योंकि आपके ऊपर जो है आपका परिवार बहुत ही परिवार बहुत भरोसा रखता है कि मेरे भी बच्चे, मेरा भी बच्चा एक ना एक दिन अच्छा कामयाब बनेगा समाज के लिए, मेरे घर के लिए। तो उस जो मन को कीर्तना डिग्री कलाशाल अध्यापक पनचे गिडाम प्रवीण गारी उस्मािया विश्वविद्यालय ना पीहेडी वैच्वे सदर्भंग मन को सन्मान कार्यक्रम एर्पड़ा जरिए दी मुख्य अतिथु मन की जूनियर कलाशाल प्रिंसपल सूर्यप्रकाश गार अदे विधा जिला अधिकारी पार्थसारथि गार अदे विधा मन की कवि विद्यावे उदार नारायण सार गार अदे विधा कन्नम मोहन बाबू गार रिटैर्ड प्रिंसपल गार हाजर वाल अमूल्यम सदेश मन अंदर की पिल की इव जी साधारण मध्य तरगति गिरीजन कुटुंबे प्रवीण प्रवीण सार आश्रम पाठशाला चुकान आ तर प्रभु डिग्री कलाशाल चुकान एंदो मंदिर गुरु साधनी आ गुरू प्रवीण सार गोपतन चुप्त आये या विनय विधेयत अदे विधा कृषि पट्टदल इंका चदवाल तपन ईन आदर्श गिरीजन गिरीजनेतर इलाक अंदर प्रति विद्यारथी सारे आदर्श पीहेडी मुं मुलाक अलागे प्रवीण सार इंका उन्नत स्थाई की एदगा प्रोफेसर का ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వాదము అభినందిస్తూ సార్కి ధన్యవాదాలు అభినందనలు ఆశీర్వాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను।